नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद इस नई योजना पर होगा काम। ई संजीवनी ग्रामीणों को दे रही है चिकित्सीय सलाह। बिहार में 15 अगस्त से गांव में भी बनेगा जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र। मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन में करे गलती का सुधार। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी नर्सिंग कॉलेज और स्कूल की जांच करने का जारी किया आदेश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन में करे गलती का सुधार। बिहार बोर्ड की तरफ से हाल ही में रजिस्ट्रेशन को लेकर डमी कार्ड जारी करने की तारीख का ऐलान किया गया था, जिसके तहत यह रजिस्ट्रेशन कार्ड आज जारी होने वाला है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने ऐसे छात्रों को भी सुझाव दिया है जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती से गलत जानकारी दर्ज हो गई है। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 12 अगस्त तक अपलोड रहेगा। स्टूडेंट त्रुटि सुधार कराने के लिए अपने हस्ताक्षर के साथ डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को 2 प्रति अपने विद्यालय में प्रधान मुहर एवं तारीख सहित प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दूसरी प्रति विद्यालय के प्रधान के पास संधारित रहेगा। इसके बाद नाम माता पिता के नाम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने ऐसे छात्रों को भी मौका दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और सूचीकरण के लिए शुल्क जमा नहीं किया था। बिहार में सब्जी उपजाने वाले किसानों को नहीं होगी अब पूंजी की कमी। बिहार में सब्जी उत्पादकों को बिहार सरकार बड़ी राहत देने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति से संबंधित किसानों का सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा मुहैया करवाने जा रही है। इसको लेकर सहकारिता विभाग अपनी तरफ से 1.5 लाख सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने जा रहा है। इस सब्जी किसानों की पूंजी की समस्या तो दूर होगी, इस काम में राज्य के सहकारी बैंक की मदद ली जाएगी। पहले चरण में 25,000 सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में 50,000 सब्जी उत्पादक और तीसरे चरण में 75,000 सब्जी उत्पादकों को लाभ मिलेगा। साथ ही 20 जिलों के किसानों को फिलहाल इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें भोजपुर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज, सिवान, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिले का नाम शामिल है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सहरसा पाटलिपुत्र से सहरसा विशेष एक्सप्रेस गाड़ी के परिचालन का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सहरसा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 10 अगस्त से अगले आदेश तक सहरसा से प्रतिदिन रात 11:30 बजे प्रस्थान करेगी और सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर होते हुए अगले दिन सुबह पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वहीं पाटलिपुत्र सहरसा विशेष एक्सप्रेस गाड़ी 11 अगस्त से अगले आदेश तक पाटलिपुत्र से प्रस्थान करेगी और दोपहर तक सहरसा पहुंचेगी। हालांकि रेलवे की तरफ से इन गाड़ियों में यात्रा के लिए आरक्षण को अनिवार्य किया गया है। यात्रा के दौरान कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देश का पालन अनिवार्य है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए सहरसा आनंद विहार सहरसा विशेष ट्रेन का भी परिचालन किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2022 के आवेदन फॉर्म हुए जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने द्वितीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के पहले साल और प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के दूसरे साल के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और शुल्क जमा करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। बिहार बोर्ड की माने तो बिना विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने की तारीख 9 अगस्त 2021 से 19 अगस्त 2021 तक निर्धारित की गई है। आवेदन भरने और शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख 20 अगस्त है। बिहार पंचायत चुनाव में काउंटिंग को लेकर आयोग ने जारी किए निर्देश। बिहार पंचायत चुनाव में काउंटिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत मतगणना हॉल और मेजों की संख्या के निर्धारण को लेकर निर्देश दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार संबंधित प्रखंड के न्यूनतम 4 पंचायतों की मतगणना प्रत्येक चक्र में एक साथ कराई जा सकेगी। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में नियुक्त किए गए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सहायता ले सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। आयोग के अनुसार प्रत्येक मतगणना हॉल में मेजों की घेराबंदी की समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि गणना एजेंटों द्वारा वोटिंग मशीन को हाथ नहीं लगाया जा सके।
यूपीएससी 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए जारी हुआ नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बीपीएससी की तरफ से हाल ही में नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को बताया गया है कि साक्षात्कार पत्र में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त 2019 अंकित हो गई है। इसे अभ्यर्थी 13 अगस्त 2019 तक समझे। बाकी सभी सूचना पहले की तरह ही जारी रहेगी, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार की माने तो 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से राज्य में 450 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसी महीने सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 691 पदों पर नियुक्ति हो रही है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे आचार्य पूजन सहाय की। आचार्य पूजन सहाय का जन्म आज ही के दिन 1893 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। आचार्य शिव पूजन सहाय एक प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी उपन्यासकार, संपादक और गद्य लेखक थे। उन्होंने हिंदी कविता के साथ साथ कथा साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। उनके ग्रंथ माता का आंचल भी CBSE की किताब में छपे हैं। माता का आंचल पाठ में उन्होंने माँ के साथ एक अद्भुत बंधन दिखाया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी नर्सिंग कॉलेज और स्कूल की जांच करने का जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेज और स्कूल में बिहार नर्सिंग काउंसिल के दिशा निर्देश का पालन को लेकर जांच करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेज BSC नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत जरूरी आवश्यक की जांच की जाएगी। इसके साथ ही जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने वाले राज्य में संचालित नर्सिंग स्कूल और कॉलेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में 15 अगस्त से गांव में भी बनेगा जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र। पंचायतों में जल्द ही सहाय की तैनाती शुरू होने वाली है, जिसके बाद बिहार में जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया गांव में ही शुरू होने वाली है, जो कि 15 अगस्त से शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। 15 अगस्त के बाद RTPS काउंटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता को संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से उचित साधन और बुनियादी सुविधा और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके तहत बिहार में अब किसी को भी जाति, आय और निवास और अन्य प्रमाण पत्रों के बनाने के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद उसको प्राप्त करने का कार्य पंचायत स्तर पर ही पूरा हो जाएगा। वहीं काउंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक पंचायत को फर्नीचर और अन्य सामानों के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद इस नई योजना पर होगा काम। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत पंचायत चुनाव का आयोजन सफल करवाने की तैयारी हो रही है। हालांकि इन सबके बीच बिहार में पंचायत चुनाव के बाद नई योजना पर बिहार सरकार काम करने वाली है, जिसके तहत ग्राम पंचायत चुनाव के तुरंत बाद ही गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर काम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर बिजली के पोल के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। हर वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। इस तरह 10 लाख से अधिक लाइटें लगाई जाएंगी। शहर की तरह गांव में भी रातों में रोशनी रहे, इसी मकसद से राज्य सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 में भी इस योजना को शामिल किया गया है, जिसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। गाँव की गलियों और चौराहों पर अब 20 वाट के LED बल्ब लगाए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किया समापन। टोक्यो में 16 दिन तक चले ओलंपिक गेम्स का बीते दिन समापन हो गया है। वहीं इस बार के ओलंपिक में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलक मीराबाई चानू के रजत पदक से शानदार शुरुआत की। हॉकी में 41 साल से चला आ रहा पदक का इंतजार भी खत्म हुआ। भारोत्तोलन में पहला रजत पदक और 9 साल बाद मुक्केबाजी में पहला पदक भारत की झोली में आया, जबकि बैडमिंटन स्टार PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। मुक्केबाजी रिंग में असम की 23 साल की लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं रवि कुमार दहिया ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने। वहीं इस खेल का अंत शानदार रहा, जिसके तहत नीरज चोपड़ा के भाला फेंक के स्वर्ण पदक ने 4 चांद लगा दिए, जिससे भारत ने 13 साल बाद स्वर्ण और एथलेटिक्स में पहला पदक हासिल किया है। ई संजीवन ग्रामीणों को दे रहा है चिकित्सीय सलाह। कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म काफी कारगर साबित हो रहा है, यह कहना है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। हाल ही में 21 फरवरी 2021 को बिहार सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र पर ई संजीवनी की शुरुआत की। इसमें 2263 स्वास्थ्य उप केंद्रों को 245 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल से जोड़ा गया है। मंगल पांडे की माने तो कोरोना संक्रमण काल के पहले लहर में कई लोगों को डॉक्टर ने सलाह देते हुए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब बिहार में 2,50,000 से अधिक ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की सहायता से निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया है।
क्राइम कंट्रोल को लेकर पटना एसएसपी ने लगाई थानेदारों की क्लास। रविवार को पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल करने के लिए पटना पुलिस कार्यालय में जिले के सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसके साथ ही राजधानी पटना में अपराध पर काबू पाने को लेकर पटना पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। इस बाबत पटना पुलिस कार्यालय के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में एसएसपी ने पटना जिले के सभी थानेदारों की क्राइम मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में खत्म होने के बाद एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस क्राइम मीटिंग में हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सावन की सोमवारी के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। पोस्टर से तेजस्वी का नाम गायब होने पर तेज प्रताप ने दी सफाई। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें युवा कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। गौर करने की बात यह रही कि इस बैठक में तेज प्रताप यादव तो पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जारी किए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव गायब दिखे, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे दिल में रहते हैं, वो हमारे अर्जुन है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, पोस्टर से क्या होगा। चिराग पासवान ने बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव के आयोजन की कही बात। लोजपा वर्तमान समय में दो फाड़ में बटी है, लेकिन चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव होने की चिंता ज्यादा है। यही कारण है कि लगातार चिराग पासवान बिहार में सरकार गिरने का दावा करते आए हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक बार फिर से बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव के आयोजन की बात कही है। आशीर्वाद यात्रा के क्रम में रविवार को शिवहर पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। इस चुनाव के बाद बिहार में सरकार बनाने में लोजपा की अहम भूमिका होगी। बिहार की जनता सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे जदयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जब से कुर्सी संभाली है तब से बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन ललन सिंह जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। इन दोनों नेताओं ने बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। जानकारों की माने तो इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात काफी अहम है। इससे पहले भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। जानकारों के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद ललन सिंह हाल ही में पटना लौटे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। वहीं पटना आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी शिष्टाचार मुलाकात की थी, जहां पर कई बातों को लेकर चर्चा हुई है। जदयू दफ्तर से हटा आरसीपी सिंह के स्वागत वाला पोस्टर। बिहार में पोस्टर की राजनीति कई मायनों में अहम मानी जाती है। पोस्टर में शामिल किए गए चेहरों को दोस्त, तो गायब हुए चेहरों को दुश्मन की नजर से देखा जाता है। पार्टी चाहे कोई हो, पोस्टर की मान्यता काफी ज्यादा रहती है। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर आरसीपी सिंह के स्वागत वाले पोस्टर को कुछ देर बाद ही हटा दिया गया। इस पोस्टर को लगाने के बाद काफी ज्यादा हंगामा होने लगा था, क्योंकि इस पोस्टर में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब थी, जिसके बाद पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई और पोस्टर को जदयू कार्यालय के सामने से हटा दिया गया था, ताकि इसको लेकर शुरू हुआ बवाल आसानी से रुक जाए। जीन्स पहनने वालों की राजद में कोई एंट्री नहीं वाले बयान पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया। यह बातें किसी और ने नहीं बल्कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही थी। उन्होंने राजनीति और जीन्स को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जगदानंद सिंह का मानना था कि जो लोग जीन्स पहनते हैं वो कभी राजनीति नहीं कर सकते। हालांकि इसको लेकर अभी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन साफ संकेत दे दिए गए हैं कि राजद में शामिल होने वालों को जीन्स पहनने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जगदानंद सिंह के इस बयान पर भाजपा और राजद की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों पार्टियों ने उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1942 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। 1970 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और गुमनाम नायक त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का निधन हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल जेल में गुजारे। वो संभवत सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1971 में भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 2005 में नासा का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था। बिहार में जमीन अधिग्रहण को लेकर कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जमीन अधिग्रहण से संबंधित परेशानियां बिहार में आम बात है। पथ निर्माण विभाग की कई योजनाएं इसी के कारण अटकी हुई है। इसका खुलासा हाल ही में जारी किए गए कैग की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण में लंबा समय लगने के कारण जमीन की कीमत 150 गुना तक बढ़ जाती है। भूमि अधिग्रहण मामले में कैग की रिपोर्ट में 7 जिलों को लेकर खुलासा किया गया है। सीएजी ने जो खुलासा किया है उसमें 2012 में जो वास्तविक कीमत थी 2017 में संशोधित कीमत में 150 गुना अधिक की वृद्धि हो गई है। अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल जिले में 552 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में जमीन का अधिग्रहण किया गया है।
बिहार के 78 लाख किसानों के खाते में जाएगी पीएम किसान निधि की 9वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज किसानों के खाते में 2000 की 9वीं किस्त जाने वाली है। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में ऐसे 78 लाख किसान हैं जिनके खाते में आज राशि जाएगी। वहीं इस बाबत राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है। इससे 80,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए हैं और सबसे ज्यादा फायदा पंजाब हरियाणा के किसानों को हुआ है। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद भवन जाने या जंतर मंतर पर धरना देने की नौटंकी से किसान गुमराह होने वाले नहीं है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा से बड़ी संख्या में होगी अधिकारियों की नियुक्ति। कोविड-19 के मामलों में कमी आने के साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का संचालन करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत बीपीएससी के 67वीं परीक्षा के आयोजन होने के बाद बिहार को कई अधिकारी मिलने वाले हैं। इस बाबत 7 विभागों ने 225 रिक्तियों के लिए वैकेंसी की जानकारी भेज दी है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी की 133 रिक्तियां शामिल है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि अब तक गृह विभाग से पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त पदों के लिए सूचना जारी नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त तक सभी विभागों से वैकेंसी की जानकारी बीपीएससी को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद 1 सप्ताह तक आयोग वैकेंसी का इंतजार करेगा। बिहार में कोविड-19 के मिले 50 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 34 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 309 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 1, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, ईस्ट चंपारण में 2, गया में 1, गोपालगंज में 1, कैमूर में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 4, पटना में 3, रोहतास में 1, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 1, सीतामढ़ी में 2, शिवहर में 2, वैशाली में 3, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया, बांका, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा, सिवान, सुपौल में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 143,851 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 45 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के पहले टेस्ट मैच में लगातार बारिश के कारण 5वें दिन का खेल नहीं हो सका। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में अंतिम दिन कोई गेंद नहीं फेंकी जा सकी, जिसे यह मैच ड्रॉ कर दिया गया है। आपको बता दें, भारत ने इस मैच में इंग्लैंड की पहली पारी में 183 रन पर समेट दी थी, जिसके बाद अपनी पहली पारी में 278 रन बनाए और 95 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 303 रन बनाए, जिसमें कप्तान जो रूट का शतक खास रहा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,890 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,140 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है अनीश गुड़िया, सोनू कुमार, नितेश कुमार, लाला कुमार, जयप्रकाश यादव, विवेक कुमार, मुकेश कुमार यादव, राजीव रंजन, सत्यप्रकाश कुमार, निकिता कुमारी, सविता रॉय, प्रीति यदुवंशी, सिंधु कुमारी, सरोज कुमार, मोहित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, ओलंपिक जैसे खेल में मेडल जीतने के लिए भारत सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।